नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है ये। आज हम लोग गांधी जी से जुड़े 92 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। बीपीएससी या यूपी पीसीएस में तो रिपीट करते ही हैं क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गांधी जी से जुड़े हुए। हर साल क्वेश्चन यूपीएससी हो या पीसीएस हो उसमें ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 91 क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वदेशी आंदोलन से 1915 ईस्वी तक, जब गांधी जी का भारतीय राजनीति प्रवेश होता है, तब तक के क्वेश्चंस करेंगे। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहला क्वेश्चन है कि करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के? पोरबंदर के, राजकोट के, बंकानेर के, तो उपयुक्त सभी राज्यों के। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बंकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम काबा था। क्या था इनका उपनाम? काबा। ओके, अगला है कि निम्नलिखित किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ये बीपीएससी ने पिछले साल भयानक क्वेश्चन इस तरह का पूछा था, तो श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, इसका आंसर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज से अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। तीसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया ये आपको बताना है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। और किस भाषा में था? यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी उन्होंने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी कहाँ पर? डरबन में, 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एमके गांधी के समर्थक मार्क्सवादी समाजवाद के समर्थक थे किसके? श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। तो ये कठिन क्वेश्चन में आता है ये, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे महात्मा गांधी। इसमें क्या होता है, गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया था। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, मतलब स्टेट विहीन समाज की कल्पना करते थे जिसमें राज्य नहीं होगा, यानी कि सरकारें कमजोर होंगी, जनता के हाथों में ज्यादा पावर होगा, है ना। तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया था। छठे क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? राम राज्य के उनके युगल सिद्धांत जो थे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सत्य और अहिंसा। अगला है क्वेश्चन कि गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्मविलीनीकरण, इसका क्या आंसर हो जाएगा? अहिंसा का क्या अर्थ था? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही है ये पूछा है आपसे। तो बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी थे, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो सबसे सटीक आंसर इसका डी हो जाएगा। ये कठिन क्वेश्चन में आते हैं इस तरह की चीज़ें, भले ही लोअर में पूछा है लेकिन यूपीएससी में भी पूछेगा, तो आप उनके आदर्शवाद से कन्फ्यूजन हो सकते हैं आप में कि वो क्या थे इनमें से, है ना। किसकी सब से उन्हें कन्फ्यूज हो सकते हैं लोग, तो सी और डी में ही कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, गांधी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान किसे दिया गया था? बहिष्कार को, धरना को, उपवास को, हड़ताल को, किसको सबसे अंतिम स्थान दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान उन्होंने दिया हुआ था अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में, है ना, सत्याग्रह की रणनीति में। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही को उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रह का उद्देश्य अहिंसा है, सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, डी है कि सत्याग्रहियों को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा गलत है ये पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्याग्रहियों का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। शत्रु को जीतना उनका उद्देश्य था। जीतना और पराजित करने में अंतर होता है, किसी को हराना किसी को जीतने में अंतर होता है, तो ये इसका गलत होगा। गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व,
गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न, तो उनके हिसाब से हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप क्या था, है ना। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, गरीबी का अस्थायित्व उनके हिसाब से हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप था। गांधी जी ने कहा था गरीबी का अस्थायित्व तो हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है, पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ऐसे वगैरह में यूज भी कर सकते हैं कोटेशन में लिखने में, है ना। पॉवर्टी इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था, तो आत्मनियंत्रण का तरीका बताया था उन्होंने कि खुद पर संयम लगा के आप परिवार नियोजन कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आइडियलिस्टिक चीज़ें लगती हैं, वास्तविकता में ये चीज़ें सब पर लागू नहीं हो सकती, है ना। 140 करोड़ की आबादी है हमारी, तो वैज्ञानिक तरीके आज ही अपनाए जाते हैं, है ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे, MPPCS का क्वेश्चन है ये, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 21 वर्ष तक वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए और जनवरी 1915 में लौटे थे वो। अगले क्वेश्चन में चलते 14 नंबर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कितने वर्षों में लौटे, किस वर्ष में लौटे, तो 1915 ईस्वी हो जाएगा इसका आंसर। दक्षिण अफ्रीका किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, तो अगर गांधी मूवी भी आपने देखी होगी या उनसे जुड़ी किताबें पढ़ी होगी, तो क्या नाम था उसका, पीटर्समरिट्सबर्ग, इसका आंसर बी हो जाएगा, पीटर्समरिट्सबर्ग। M.K. गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था उन्होंने, अध्यक्षता की बात नहीं पूछ रहा है, अध्यक्षता उसने किस में किया था उन्होंने, और इस पे पूछ रहा है कि सर्वप्रथम भाग किस में लिया था उन्होंने, है ना। लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920, है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में गांधी जी ने कलकत्ता का अधिवेशन में भाग लिया था, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम के बाहर, नगर के बाहर स्थित है, किस नगर के बाहर साबरमती आश्रम स्थित है, गांधीनगर, राजकोट, अहमदाबाद, वर्धा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद नगर के बाहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है ये। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरबद क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा के दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे क्या कहा जाता था, इसको सत्याग्रह आश्रम नाम से जाना जाता था, सत्याग्रह आश्रम, ओके। 19 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी समेत निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना था, तो सबसे पहला उन्होंने क्या बनाया था, फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में बनाया था, डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। गांधी मूवी देखना यूट्यूब पर, उसमें बहुत कुछ आपको क्लियर होगा। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था, कहाँ अपनाया, मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका, पुणे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर देख लेते हैं हम लोग, 20 का आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सेवा धर्म का पहली बार अपनाया था, फिनिक्स आश्रम के दौरान ही। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और C.R. दास किन के राजनीतिक गुरु थे, तो ये सुभाष बोस के राजनीतिक गुरु थे C.R. दास। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 22 नंबर पर, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था, धर्मविहीन राजनीति, जल कल्याण के लिए सक्रियता, सत्यविहीन राजनीति, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। लेकिन गांधी जी धर्म को भी राजनीति में जरूरी मानते थे, किस धर्म को, हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, जैसे राजनेता का क्या धर्म होता है, लोगों के काम करना, छात्र का धर्म क्या होता है, पढ़ाई करना, तो इस धर्म की बात करते थे वो। अगला है कि गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न से कौन सी उसमें नहीं शामिल है, है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, उसमें सत्ता का कभी भी नहीं रहा, स्टेट की कल्पना गांधी जी ने नहीं की थी, कि स्टेट विहीन समाज की बात करते थे, जिसमें स्टेट कमज़ोर हो, यानी कि राज्य सरकारें कमज़ोर हो, लोग मजबूत हो, है ना, ताकि लोगों का शोषण ना हो। अगला है निम्नलिखित में किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, महात्मा गांधी आसान है, एग्जाम में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले सत्याग्रही महात्मा गांधी ही थे, सबसे पहले सत्याग्रह इन्होंने ही किया था। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले किन का नाम आता है, विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे।
1917 के दौरान चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का वो किया गया था। अब अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का आंदोलन को अपनाया था, सविनय अवज्ञा। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए थे, सविनय अवज्ञा को उन्होंने किससे मांग लिया था, तो 1930 को मान लिया था, जबकि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, इसका आंसर है चंपारण सत्याग्रह को ही प्रथम सविनय अवज्ञा कहा जाता है ना। सविनय अवज्ञा प्रथम कौन सा था, तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी ही था। लोगों ने इसको कन्फ्यूज़ कर दिया था, 2020 का क्वेश्चन है 66वीं का, कि इसको 1930 से ले गए थे लोग और ई ऑप्शन मार दिया था, तो इसका आंसर ए होगा, 1917 के चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा भी माना जाता है ना। और तिनकठिया प्रणाली को लेकर विरोध हुआ था, ये पता ही आपको। 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल मालिकों को मजदूरों प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर दिया। और 1908 में ही गुजरात के खीरा में किसानों की नष्ट हुई फसल के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा कर में छूट नहीं दिए जाने के कारण तीन आंदोलन हुए थे, 1917 चंपारण, उसके बाद से अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद से खेरा आंदोलन है ना, गुजरात के खेरा में। धातव्य एक महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह वर्ष 1919 में आरंभ हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, तो बहुत ही घटिया ऑप्शन है, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, और ब्रिटिश राज को समाप्त करने के, हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 27-28 नंबर पर, कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है ना, तो महात्मा गांधी जी ने ही ऐसा कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सबसे अच्छा बर्बाद है। और इस चीज़ का विरोध किसने किया था कि विदेशी वस्त्रों को या विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार नहीं करना चाहिए, इसका विरोध किसने किया था, तो उसका भी मैं बता देता हूँ, इसका विरोध किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, है ना, क्यों, क्योंकि ये बोलते थे कि वस्त्रों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, है ना, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी सबसे अच्छा व्यवहार है उसके साथ। अगला है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था ब्रिटेन बस। 30 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाक्रमों का कालक्रम क्या है ना, अभी पूछ लिया, अभी मैंने बोला था आपको चंपारण, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेरा और असहयोग आंदोलन, तो 1, 2, 3, 4 ही मेरे हिसाब से होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 ही है, सीक्वेंस में ही दिया हुआ है ये, ओके। फरवरी मार्च में हुआ था 1918 में अहमदाबाद, और फिर 22 मार्च 1918 को खेरा हुआ था, और असहयोग 1920 से 22 तक चला था, और काकोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, चोरा चोरी, मैंने गलती से काकोरी बोल दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन तो 1925 ईस्वी में हुआ है, चोरा चोरी के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में महात्मा गांधी का भारत पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह, 31 का सी हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, हर साल बीपीएससी में पूछता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कथनों से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, इसका क्या आंसर हो जाएगा, चारों ही स्टेटमेंट सही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएँ अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला, इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था, तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, बस एक लाइन ने उनके जीवन को बदल दिया था। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका गए प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट पर ही गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी ने तीन बातों को नोट किया है जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही थी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से, टॉल्स्टॉय की बुक का क्या नाम है, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, है ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इन तीनों से ही प्रभावित रही थी। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ये टफ क्वेश्चन में आता है ना, और
इसमें किताब का नाम मैं पढ़ता हूँ अगर होगा तो, थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय अधिक प्रभावित हुए थे। गांधी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली थी। थोरो से क्या सीखा था? सविनय अवज्ञा और करबंदी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा और टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। निम्न से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, ये आपको पूछ रहा है, तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। निम्नलिखित सत्याग्रह में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो बारदोली, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने ही दिया था। 1926 ईस्वी के आसपास बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 37 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन गांधी जी के संदर्भ में कौन से सही हैं, ये पूछा है आपसे। जातिविहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सारे ही सही हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही उनको सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था किनके द्वारा? तो सबसे पहले इनको महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। और किसके बाद कहा था, इसमें घटना पूछा है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ आरंभ के समय। इसका आंसर हो जाएगा ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उनको महात्मा उपाधि दी थी, महात्मा उपाधि। ओके, इसको याद रखना आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 39 किया हमने, 40 यहाँ पर है, सॉरी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि नोआखली काले महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोआखली के समय में, नोआखली कब हुआ है? जब भारत आज़ाद हो रहा था, है ना, उस समय दंगे जो हो रहे थे। इसका श्याम, इसका हो जाएगा प्यारे लाल। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बीपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछता है गांधी जी से संबंधित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, वाईकॉम सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वाईकॉम सत्याग्रह। कहाँ पर चलाया गया था? ये केरल में चलाया गया था। वाईकॉम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन समर्थन दिया था। जबकि खेरा, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने स्वयं किया था। वाईकॉम सत्याग्रह से कौन संबंधित हैं? के केलप्पम, के केलप्पम जो हैं, जिनको केरल का गांधी भी कहा जाता है, वही संबंधित है वाईकॉम सत्याग्रह से। मंदिर में प्रवेश का आंदोलन था ये दक्षिण भारत में, केरल राज्य में। महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ पीसीएस का ये क्वेश्चन है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो छत्तीसगढ़ के हैं वो याद रखें। 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ए एन सिन्हा। ये आईएएस 2008 का क्वेश्चन है ना, कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ए एन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद वकील थे, जेबी कृपलानी शिक्षक थे, राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लिख के ही दे दिया, जेबी कृपलानी, है ना। जेबी कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे, शेष अन्य मुख्य रूप से वकील थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस के खजांची रहे थे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। शेर जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में के दौरान जेल भी गए थे। जमनालाल बजाज हो जाएगा। अगला है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण किसके बारे में है? जी डी बिरला, एम आर जयकर, जमनालाल बजाज, बी एन श्रीनिवास। तो जमनालाल बजाज इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड थॉमस मूर, एओ ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, विलियम बॉवेल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज उनके करीबी मित्र थे। चार्ल एंड्रयूज सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। भारत से इसका गहरा लगाव था, वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने गरीबों के प्रति इनकी निरंतरता चिंता को देखते हुए दीनबंधु को उपाधि से सम्मानित किया था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन अगली बार पूछ सकता है।
अगला है कि एंड्रयूज वर्ष 1925-1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITU जो है के अध्यक्ष भी रहे थे और गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे एंड्रयूज। अगला, निम्नलिखित में से किस कारागार में को गांधी जी ने मंदिर का उपनाम दिया था, तो इसका हो जाएगा यरवदा जेल को उन्होंने मंदिर का नाम दिया था। यरवदा पुणे में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिकताओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसको मंदिर की संज्ञा दी थी। 49 है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे, क्या थे, तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे, क्या थे वो, तो उनका इसका आंसर हो जाए कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे वो, कुछ भी नहीं थे वो। 50 नंबर, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, तो लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स करके किसने संबोधित किया था, तो माउंटबेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। जब भारत में पूरी जगह दंगे हो रहे थे तो वो अकेले सब जगह दंगे शांत करने में लगे हुए थे, नोआखली जैसे जगहों पर। निम्न से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुँह बंद कर व्यतीत करें, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बोला था कि भारत पूरा घूम लो पहले, उसके बाद भारत को समझो, फिर अपना आंदोलन शुरू करना, तो खुले कान व मुंह बंद कर व्यतीत करें, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है 2014 UPPCS का। भारतीय राजनीति प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही दी थी उनको। निम्नलिखित कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्यों तक नहीं ले जा सकता, मतलब साधन और साध्य दोनों का पवित्र होना जरूरी है, है ना। जब तक साधन पवित्र नहीं होगा साध्य नहीं होगा, जब तक अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करेंगे फल नहीं मिलता है, तो 54 का आंसर बी हो जाएगा, M.K. गांधी। निम्नलिखित में कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, है ना। राजनीतिक में आदर्शवाद की बात कौन करते थे, तो महात्मा गांधी जी ही करते थे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, इसका आंसर सी हो जाएगा, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। 1917 में चंपारण में किया था, किस तरह का क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन आपको कन्फ्यूज कर सकता है क्योंकि इसमें चंपारण का जिक्र कहीं भी नहीं है, है ना। तो उसके बाद से चंपारण में किया तथा उसके बाद दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद कोटल मीन में, उसके बाद खेरा में सत्याग्रह किया था, ये सारा हमने पढ़ लिया। निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, देखो चंपारण उन्होंने सत्याग्रह भले ही किया हो लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल नहीं किया था, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, अहमदाबाद की हड़ताल में उन्होंने भूख हड़ताल का पहली बार यूज़ किया राजनीतिक हथियार के तौर पर। 58 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था, बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में, बनारस में, कहाँ पर दिया था उन्होंने पहली बार, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बनारस में दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में BHU विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था, और किसने इसका BHU का स्थापना की है, तो मदन मोहन मालवीय जी ने इसका स्थापना किया है। पहले संस्कृत कॉलेज जो बनारस का था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, उसी को बाद में विस्तारित करके बदल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया। अगला है 59 नंबर, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था, पटना, कलकत्ता, बम्बई, गोरखपुर, तो इसका आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह चंपारण की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी, चंपारण किसानों की 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग तीन कठिया प्रथा जो है पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, तो ये सारा किस्सा आप सभी को पता है, तो इसका आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। 60 नंबर है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता, मजदूर वर्ग, तो कौन था इसमें शामिल, अहमदाबाद की बात हो रही है तो मजदूर वर्गों के लिए पहली बार किसी ने भारत में भूख हड़ताल किया था, बहुत बड़ी बात थी ये। 39 BPSC 1994। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो अहमदाबाद संघर्ष हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 61 का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 62, निम्नलिखित में किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था, तो मजदूरों के लिए ही होगा, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूती मिल के, कॉटन मिल के कामगारों के लिए पहली बार किया था।
गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही है? ट्रस्टीशिप की सिद्धांत है ना, इसका क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका 1903 में उन्होंने सबसे पहली बार इसका प्रतिपाद्य किया था। गांधी ने 1903 में जोहानसबर्ग में अपनी लॉ फॉर्म स्थापित की थी और जहाँ 1910 तक वो रहे। गांधी ने अपने लॉ फॉर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया। विकल्पों में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहानसबर्ग में ही थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रही है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देते थे, अतएव अहिंसक समाजवादी संरचना केंद्रीकृत विरोधी थी। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, वे यूएसए मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। यूएसए से क्या लेना देना, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था को बल देते थे। इसका आंसर सबसे सटीक क्या हो जाएगा? सही नहीं पूछा है तो डी आंसर सबसे सटीक होगा। यूएसए से उनका क्या लेना देना है ना, वे भारत में मशीनीकरण के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एमके गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उनको सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। सारा ही आंसर ऑप्शन बहुत ही सटीक हैं, इसलिए चुनना इसमें से मुश्किल होगा। इसका आंसर हो जाएगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, है ना, इसका आंसर डी होगा। जबकि जो अंबेडकर हैं, गांधी वर्सेस अंबेडकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जो बाबा अंबेडकर हैं उनके हिसाब से क्या था कि राजनीतिक शक्तियां देके, है ना, इसी के तहत आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं लाई गई थी कि राजनीतिक शक्ति देके हम निम्न वर्गों को ऊपर उठा सकते हैं। जबकि गांधी जी का क्या था, उनको सशक्त करके उनको निम्न वर्ग से ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते थे एम के गांधी, जिसके द्वारा इनको मूलधारा में शामिल किया जा सकता है, जबकि अंबेडकर जी राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करते थे। तो अलग अलग विचार हैं, दोनों ही विचार आपको पता होने चाहिए, नफरत करने से कुछ भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 66, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कम निवेश से अधिक उत्पादन से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 66 का? इसका हो जाएगा डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन से, है ना, कुटीर उद्योग की बात करते थे। और कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद और आर्य मासेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी इन सब में से? तो खेरा, चंपारण, तो चंपारण हो जाएगा ना, उत्तराखंड पीसीएस का है। चंपारण 1918, खेरा 1918, सविनय अवज्ञा 1930, असहयोग 1920, चंपारण 1917। और खेरा और अहमदाबाद में सबसे पहले क्या हुआ था? पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था फरवरी 1918, उसके बाद अप्रैल के आसपास खेरा सत्याग्रह हुआ था। अगला है क्वेश्चन कि 68, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। बाबा रामचंद्र, रामचंद्र राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह। इसका आंसर बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल जी ने सबसे पहली बार ध्यान आकर्षित किया था। चंपारण में इंडिगो किसान दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? बहुत बार पूछा है, 66वीं बीपीएससी प्री, राजकुमार शुक्ल। चंपारण तीन कठिया प्रथा का क्या अंतर था? 3/20 भूमि, 3/19, तो क्या हो जाए ना, 20 कट्ठे का एक बीघा होता है, उसके 3 कट्ठे भाग पर, है ना, तो 3 कट्ठे पर उनको नील की खेती करनी होती थी। ए आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन में बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना, मधुबनी, गया, चंपारण, तो चंपारण इसका आंसर हो जाएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। 72, गांधी का चंपारण आंदोलन था कि हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा है, तो बिल्कुल गलत। सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो हिंदू समाज की एकता के लिए, नील कर्मियों के समस्या समाधान हेतु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नील कर्मियों की समस्या समाधान हेतु। 73 नंबर पर चलते हैं, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तीन कठिया प्रथा, इजी क्वेश्चन है, इस पर समय बर्बाद न करते हुए आगे चलते हैं कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य पूछा है। किसानों द्वारा 3/21, तो 3/19, तो आंसर ऑप्शन ही थे सारे, इतने घटिया दिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 74 का ए हो जाएगा। तीनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती संबंधित था? तो चंपारण में था नील की खेती संबंधित, कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। नील की खेती से कृषि की, खेत की उत्पादकता कम हो जाती है ना, धीरे धीरे खेत बंजर होने लग जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था? आईएएस 2010 का क्वेश्चन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 सही है। यहाँ पर कौन होगा? राजकुमार शुक्ल जी थे, है ना, राजकुमार शुक्ल जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। और वहाँ पर जो उन्होंने
गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे चंपारण में? जे बी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सी एफ एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, एच एस पोलाक इत्यादि थे। इन सब के नाम बीपीएससी जो भी दे रहे हैं उनको तो रट लेना चाहिए, है ना, क्योंकि इनमें से किसी का भी नाम दे के ई ऑप्शन आपको कन्फ्यूज कर सकता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण संघर्ष निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, तो बिल्कुल गलत, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह संबद्ध हैं? तो राजकुमार शुक्ल, इसका 78 का डी आंसर हो जाएगा। 79 है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो भू राजस्व, नगदी फसल, ब्रिटिश सरकार, कृषि नीति, भू अनुदान, ई ऑप्शन। 66वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, नगदी फसल के विरोध में था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन मुख्य रूप से नगदी फसल के विरोध के स्वरूप प्रारंभ किया गया था, क्योंकि खाने के लिए फसल नहीं होता था, जबकि नगदी फसल नील जैसी चीज़ों का उत्पादन करने को विवश किया जाता था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज सरकार ने बिहार के चंपारण में तीन कट्ठिया व्यवस्था लागू कर दी कि 20 कट्ठे में से तीन कट्ठे पर आपको अनिवार्य रूप से नील उपजाना होगा। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। सबको कहानी आगे की पता है, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषक राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? नियोजित विकास यानी कि विरोध का, नियोजित विकास का सॉरी प्लांट का, है ना, विरोध किसने किया था ये पूछ रहा है। विरोध करने वाला जो, इसको देने वाले में दो लोगों का नाम आता है, नेहरू जी का नाम आता है और सुभाष बोस का नाम आता है। इसका विरोध करने वाले में किन का नाम आता है वो पूछा है आपसे। तो महात्मा गांधी जी भारत में नियोजित विकास के विरोधी थे। ये बोलते थे कुटीर विकास, कुटीर जो उद्योग होते हैं गाँव से हमें विकास को शुरू करना चाहिए, जबकि नियोजित विकास के तहत जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी का था कि मशीनीकरण से हमें अपना शुरुआत करना चाहिए। तो ये अलग अलग विचार होते हैं, सब तो चाहते एक ही चीज़ है कि देश का विकास हो। तो 80 का आंसर ए हो जाएगा। 81 एक चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था ये पूछा है आपसे, तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी का नाम कभी भी नहीं आता है। ये कांग्रेस समाजवाद से जुड़े हुए थे। 1934 ईस्वी में जब कांग्रेस समाजवाद का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। उसके बाद 1942 के दौरान आज़ाद दस्ता इन्होंने बनाया था, हजारीबाग जेल से भाग गए थे, छापामार युद्ध पद्धति में भी इनका नाम आता है। और 1917 चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जे बी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और ये सब जुड़े हुए थे। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण जी, उसके सदस्य नहीं थे, है ना, जांच समिति के। बाकी एफसी सलाई, डीजे रीड, महात्मा गांधी भी इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था? चंपारण में सी हो जाएगा, 83 का सी आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन भाग लिया था? खेरा, चंपारण, तो इसका चंपारण हो जाएगा। 84 का बी, 85 है। निम्नलिखित स्थानों से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? चंपारण हो जाएगा। 86 है। बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया, उसका भी आंसर वही रिपीटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो चंपारण ही हो जाएगा। 87 है, निम्नलिखित में किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? तो राजकुमार शुक्ल, इसके आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है ये पूछा है, सही नहीं पूछा है, या किसानों से जुड़ा हुआ था, तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, इसमें एम के गांधी का सहयोग किया था, और अगला क्या है डी, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। नहीं, भारत के स्तर पर नहीं हुआ था, ये वहाँ का क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में ही रहा था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? 89 का हो जाएगा, महात्मा गांधी ही उसके राष्ट्रीय नेता थे। 90 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था ये पूछा है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, एनजी रंगा ने विरोध किया था। एनजी रंगा कम्युनिस्ट नेताओं में आते हैं। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये वीवीआई क्वेश्चन में आ गए। एनजी रंगा का नाम आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने विरोध किया था, और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान इनको दिया था। 91 नंबर क्वेश्चन है, खेरा किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी की सत्याग्रह संगठित करने का, ये आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस 2011 का, कारण क्या था ये पूछा है आपसे।
अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, तो यही तो है। और प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। अस्थायी बंदोबस्त की बात तो 1792 में कर्नवालिस के समय की बात करते हैं जमींदारी व्यवस्था की, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पहला ही केवल सही है, दूसरा गलत है। 91 नंबर क्वेश्चन ये था, 91 क्वेश्चन थे इसमें। अगले वीडियो में हम लोग किसान आंदोलन नेक्स्ट में करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे स्वदेशी आंदोलन। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि सीरीज कैसा चल रहा है ना, रिवीजन के लिए मुझे परफेक्ट सीरीज लगा है। थैंक यू सो मच।